हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू जल्दी अंजलीज वर्ल्ड। तो आज बहुत दिन बाद ऐसे वेलकम बैक और बहुत दिन बाद ये गुड मॉर्निंग हो रही है। सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं सॉरी बोलती हूँ फिर से सेम चीज़ रिपीट करती हूँ। तो सॉरी तब बोलना चाहिए जब आप वो चीज़ रिपीट ना करें, है ना। तो और अवॉइड दीज पैंट्स बिकॉज मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्या बोलता है, कपड़े सूख नहीं पा रहे, तो हमको ऐसे ही करके कपड़े सुखाने पड़ जाते हैं। तो भाई मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आई हैव अ रीज़न फॉर इट। बड़ा बताने में मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आप चाहती थी कि मैं इसी रीज़न के साथ अपनी ब्लॉगिंग फिर से कंटिन्यू करूँ, क्योंकि यार मेरे को, मैं सच बताऊँ आपको, एकदम रियलिटी बताऊँ, मैं मुंबई देख देख के, मतलब सिर्फ मुंबई मुंबई शूट करके पक गई थी। तो रीज़न बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम। एक्चुअली टुडे आई एम गोइंग समवेयर, तो मैं जा रही हूँ आज जयपुर। मैं जयपुर निकल रही हूँ और मेरे को बहुत दिन से जयपुर जाना था। जयपुर मतलब मैं खाटू श्याम जा रही हूँ, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले जयपुर जाना पड़ेगा। और आई थिंक इट्स बीन 1 ईयर जब से मैं प्लान कर रही हूँ दैट आई वॉन्टेड टू गो टू खाटू श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम। तो वो विश मेरी पूरी हो रही है, तो आई एम वेरी 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 हैप्पी। तो बस अभी मैं उठी हूँ, आई थिंक 15 मिनट्स पहले मैं उठी हूँ। तो अभी बता दिया है कि जयपुर जा रही हूँ, अब बस रेडी होते हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरी ट्रेन है आई थिंक 12:30, तो मेरे को घर से 11:30 और 11:15 पे निकलना पड़ेगा। तो बस अभी रेडी होते हैं, बिकॉज़ आई हैव ओनली 2 आवर्स। तो बस अभी रेडी होते हैं और निकलते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने सोचा बाय यार, अरे यार दीदी तो मेरा देख, उनकी बात तो मत बोलो, वो पागल है। मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग होएगी तो आपके गुड मॉर्निंग में थोड़ा प्रैंक रिसील करा देती हूँ, सूर्य सूर्य मुंह के साथ, एलियन लग रही थी थोड़ी थोड़ी। दीदी गुड मॉर्निंग एंड हाउ यू आर फीलिंग दैट आई एम गोइंग वेरी गुड। अब ये क्योंकि खुश रहेंगी ना, इनको कोई सुनाएगा नहीं, अकेले इनको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया। और हम अब आपको अंशु दीदी को दिखाते हैं, क्योंकि अंशु दीदी हमारी बीमार हो गई है थोड़ा सा। अंशु दीदी को थोड़ा फीवर है। अंशु दीदी, अंशु दीदी गुड मॉर्निंग, इधर देखोगी उनके मुँह में, उनके मुँह में चोट लगी थी, मैंने भाई दबा दिया यार। हाय गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहना है ये, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ इसलिए मैं निकलती हूँ, क्योंकि 11:10 हो गए हैं। जल्दी से बस भगवान जी के पैर छूते हैं, मैं पूजा ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पर निकलने से पहले जय भगवान जी। और बस अब निकलते हैं और आपसे डायरेक्ट नीचे मिलूंगी, क्योंकि मैं अब रास्ते में फ़ोन नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास बैग है। ठीक है, ये रहा बैग और बैग, और ये रहा मेरा हैंड बैग, और बस। तो अभी फ़ोन रखती हूँ और आपसे मिलती हूँ नीचे। तो मैं आ गई हूँ फाइनली बोरीवली मेट्रो स्टेशन से बाहर, और अब मैं करूँगी ऑटो बोरीवली स्टेशन के लिए। तो भाई ये बैग इतना हैवी है, और ये बैग इतना हैवी, मेरी जान निकल रही है, मतलब ऐसे नहीं बोलना। तो अभी बस ऑटो करते हैं और चलते हैं और लेते हैं जय श्री श्याम का नाम, मतलब क्योंकि जर्नी बिगिंस हो गई है। तो बस ऑटो करते हैं पहले तो, और बोरीवली स्टेशन। जैसे बोल दिया भैया, मेरा बैग ऊपर रखवा दो, थोड़ा हैवी है ना, और सब बच्ची समझ के मेरी मदद भी कर देते हैं, आपको पता है, दादा थैंक यू। हाँ जी, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ रेलवे स्टेशन, अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। अब मैंने फ़ोन, मतलब फ़ोन उठाया, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बचे थे, उसमें मेरे को, मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेना था, क्योंकि मैं लेट हो गई, तो मैं घर से कुछ भी खा के नहीं आई, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है, इडली और सांभर, क्योंकि मैं सुबह सुबह कुछ हैवी भी नहीं खा सकती थी, तो इडली और सांभर इज़ द बेस्ट, मुझे पसंद भी है। तो वो पार्सल कराया और अभी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ और ट्रेन का वेट कर रही हूँ। ट्रेन का टाइम था 12:21 और अभी हो गए 12:28, मुझे ट्रेन नहीं आ रही, मेरे को इतनी तेज़ भूख लगती है ना, आपको क्या बताऊँ। मैंने हिसाब में, मेरे ये ब्रेकफास्ट है, मेरे से इतना वेट नहीं होता, मेरे को लगता है ट्रेन मिले और मैं बढ़िया जल्दी से आई नहीं रही यार, जल्दी आए यार, भूख लग रही है बहुत तेज़। चाहिए मुझे तो ये भी पता, देख तो बड़ी उस याद बन के रही हूँ मैं,
टाइम बुला दो जल्दी से। तो फाइनली मेरे को मिल गई है ट्रेन और मैं आ गई हूँ सीट पे। ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलूँगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो अपनी सीट पे आके बैठ गई हूँ। बहुत तेज वाली भूख लग रही है, मन नहीं कर रहा बात करने का, तो पहले मैं खाऊंगी फिर मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? तो पहले खाते हैं फिर आपसे मिलता है। सबसे पहले आपकी मम्मी से जी। तो अब मैंने खा लिया, अब मैं बोल सकती हूँ, मतलब बिना खाए तो मेरी गाड़ी चलती नहीं है, मतलब मेरे को चक्कर आने और सुबह जल्दी उठ भी गई थी, मैं पूरा खा गई। मुझे लगा था कि मेरे लिए ज़्यादा है पर मैं पूरा खा गई। तो अब कुछ नहीं है, बस अब मेरे को हल्की हल्की नींद आ रही है क्योंकि मुझे ट्रेन में बहुत नींद आती है। अब मैं तो जब ये ब्लॉग देखना तो कमेंट करके बताना कि किसको किसको ट्रेन में नींद आती है और किसको किसको ट्रेन में नहीं नींद नहीं आती है। मैंने तो जिससे भी सुना सब यही बोलता है कि यार ट्रेन में नींद नहीं आती, और मुझे ट्रेन में बहुत नींद आती है। मेरा पैकेट जिसको मैंने ऐसी तैसी मार दिया। तो क्या है मेरा पैक, ये रहा प्रॉपर तरीके से एकदम, और अब मैं लेटूंगी और लेट के बढ़िया गाने सुनूंगी और थोड़ी देर सो जाऊंगी अगर नींद आएगी, और आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद। ओके हाँ जी, तो मैं सो गई थी और मैं सोई हूँ 3 घंटे और अभी उठी हूँ जस्ट, और मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ पैकेट वाला आए क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं आई, और मुझे फिर से भूख लग गई और मेरा खाना खाने का मन नहीं हो रहा क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि खाना मैं डायरेक्ट रात में खाऊँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और इन लोगों ने AC इतना ज़्यादा तेज़ करके रखा है कि मेरे ठंड की वजह से नींद खुल गई। शूट करा था, मतलब अभी शाम में फ़ोन उठा के, बहुत दिन से ब्लॉगिंग बंद कर दिया तो मैं भूल गई थी। और हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि स्टोरेज फुल हो गया था इसलिए बंद हो गया था रिकॉर्ड होना। तो अभी सो जाते हैं और सुबह 6 बजे मेरे को पहुंचना है और अभी बज रहे हैं 11:30, तो आई थिंक सोना इज़ बेटर। तो सुबह मिलती हूँ, गुड नाइट, बाय बाय, जय माता दी। गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40 और जयपुर पहुँचाने का टाइम है 6:00, तो मैं उठ गई हूँ और सामान वामान सब निकाला जाए, बाकी कुछ नहीं। अभी सुबह सुबह तो समझ नहीं आएगा कि क्या बोलूँ और क्या नहीं। फाइनली आ गया जयपुर स्टेशन बैग, और ये बैग लेते हैं और उतरते हैं। तो मैं निकल आई हूँ स्टेशन से बाहर और वो देखो वो रहा जयपुर का बोर्ड, और अभी मैं ढूंढ रही हूँ ऑटो। मुझे जाना है कुछ तस्कल करके, पढ़ना पड़ेगा एड्रेस, मैं भूल गई। तो इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी सही से ऑटो वाले को पकड़ूँ जो सही इतने ज़्यादा पैसे ना ले। तो अभी बस ऑटो करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि मेरे को ना यार जल्दी पहुँचना है यार, मैं इरीटेट हो गई ट्रेन में। तो मैं मिल गया है मेरे को ऑटो, ये अंकल इन्होंने ऑटो करते मेरा बैग ले लिया। फाइनली जॉस्टल, मतलब मैं जॉस्टल में रुकने वाली हूँ, बुकिंग ऑलरेडी है, चेक करवा रही हूँ, और मैं टाइम से पहले पहुँच चुकी हूँ। तो मैं टाइम से पहले पहुँच गई हूँ, तो अब मेरे को वेटिंग रूम में आई थिंक वेट करना पड़ेगा पहले चेक करने, इसके बाद। हाँ जी, तो मैं पहुंच गई हूँ फाइनली, पर चेक इन टाइम 12 बजे का है और मैं बहुत जल्दी पहुंच गई हूँ, तो मैं रेस्ट रूम में हूँ। और मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ और लोग भी हैं जो सो रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट रूम दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ जाके। ये मेरा छोटू सा टूथपेस्ट और ये मेरा ब्रश कर लेती हूँ, बहुत इरिटेटिंग फील होता है विदाउट ब्रश करें। यस, तो मैं आई हूँ किचन में पानी पीने के लिए, और ये है किचन यहाँ का। ओह माय गॉड, ये जला हुआ पतीला टूट कर रखा है, पता नहीं किसने इधर
ये रहा वाटर कूलर. नाउ आई वांट यू नो व्हाट आई वांट ग्लास. आई लव येलो कलर तो आई विल टेक दिस मग. यू नो इसको पहले मैं वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे तो मेरे को भरोसा नहीं. सबको पता है यार मेरे को येलो कलर कितना फेवरेट है तो मैं यही लूँगी. धुल लेती हूँ. चलो पानी लेते हैं. किचन देख लिया अब टेरेस देखते हैं चलते हैं. आँखियाँ तेरी दिस इज हाउ इट looks the terrace. हाँ जी तो ये थी मेरी मुंबई टू जयपुर की जर्नी और मैंने बहुत कुछ दिखा दिया है. मस्टिल भी मैंने बहुत दिखा दिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि ये वाला व्लॉग मैं एंड कर दूँ और अब मैं जो भी करूँगी एक नए व्लॉग के साथ करूँगी. तो आई होप कि जब आप इसे देखोगे तो इसे पसंद करोगे और खूब सारा प्यार दोगे. और हाँ बहुत दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ तो आई विल ट्राई कि कंटिन्यू रहे. सच में ट्राई करूँगी. और जब आए तो प्यार देना और क्या मिलते हैं. जयपुर की जर्नी भी चलती रहेगी जयपुर की जर्नी के साथ. तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. If you like this video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye. Shyamata Devi.